खुटौना पंचायत के 18 पंचायतों के मुखिया के बीच संघ का बैठक कारमेघ मध्य पंचायत स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता दुर्गीपट्टी पंचायत के मुखिया उमेश दास ने की, जहां सर्वसम्मति से कारमेघ मध्य पंचायत के मुखिया कपिलेश्वर यादव को संघ के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। वहीं माधोपुर पंचायत के अरविंद गुरमेता को उपाध्यक्ष, कारमेघ उत्तरी पंचायत के संजीव शाह को सचिव, बाघा कुमार की सोगड़ा खातून को कोषाध्यक्ष, बिरपुर पंचायत के शत्रुघ्न यादव को महासचिव, खुटौना की नेहा देवी को संयोजिका, सिकटियाही पंचायत के प्रदीप कुमार, एकहत्ता पंचायत के नजीब अहमद को प्रवक्ता पद के रूप में मनोनीत किया गया। साथ में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कुशेश्वर यादव, पैक्स अध्यक्ष विनोद सिंह, संघ के सभी मनोनीत सदस्य उपस्थित थे। बीएनबी न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता नैयर आजम की रिपोर्ट। वर्तमान मुखिया कारमेघ पंचायत के, कारमेघ मध्य पंचायत के वर्तमान मुखिया श्री कपिलेश्वर यादव जी, इससे पहले भी आप दो बार मुखिया से रह चुके हैं और प्रखंड प्रमुख तीन बार मुखिया रह चुके हैं, चार बार हुआ। और आपको ये प्रखंड के जितने भी मुखिया लोग हैं, नव निर्वाचित मुखिया, आपको सर्वसम्मति से मुखिया महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, आप कैसा फील कर रहे हैं सर? अच्छा फील कर रहे हैं। आपको कुछ कार्य योजना तो होगा? हमारा कार्य योजना है, सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसको हमारे, हमको जन सहयोग से, इस सभी नव निर्वाचित मुखिया के जन सहयोग से, जन प्रतिनिधि जितना है हमारे पंचायत समिति सदस्य जो है उनके सहयोग से उस भ्रष्टाचार को ब्लॉक से हमको मिटाना है। आप तो सर एक पंचायत का मुखिया अब नहीं है, आप तो 18 पंचायत के अध्यक्ष हो गए ना, इसीलिए 18 पंचायत के जन प्रतिनिधि को लेकर के हमको उसको मिटाना है और सर्वांगीण विकास करना है। जो वहाँ अभी चल रहा है, घुसखोरी थी, कांग्रेस के सरकार में भी घुसखोरी थी, लालू यादव के सरकार में भी घुसखोरी थी, लेकिन अभी जो घुसखोरी है प्रकाष्ठा पर है, जिसका कोई सीमा नहीं है न कोई अंत है। लेकिन एक और सवाल है सर, कुछ पिछड़े लोग जो दलित महादलित के लोग हैं, वो ऑनलाइन क्या होता है उसको समझ में अभी भी नहीं है, फिर राशन कार्ड कैसे बनेगा उसको? राशन भी नहीं पहुंच रहा है उसको। हाँ हाँ, इतना जो राशन कार्ड बना है ऑनलाइन, अब समझने, अब तो गांव घर में बच्चा है वो भी मोबाइल से खेलता है, वो मोबाइल से खेलता है। अगर हमको अपना जैसा अनुभव है कि 3 दिन अगर इस मोबाइल को बंद कर दिया जाए, इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, तो कितना आदमी पागल होकर के रोड पर दौड़ना शुरू कर। आपने तो सिस्टम पर सवाल उठाया है ना, तो उसको नया जो प्रणीति में आप ढालेंगे आप अपने अध्यक्षता के समय में, तो कुछ नया कार्य योजना के विषय में हमको थोड़ा सा फाइंड आउट कीजिए। कार्य योजना के बारे में, सबसे हमारा कार्य योजना तो हुआ कि सबसे पहले भ्रष्टाचार मिटाना है, चाहे वो भ्रष्टाचार राजस्व में हो, चाहे वो भ्रष्टाचार खाद आपूर्ति में हो, चाहे वो भ्रष्टाचार ब्लॉक स्तर पर जो भी कार्य योजना चलता हो उसमें हो, ये सब पर हमारी निगाह रहेगी और हम जन सहयोग से, जनता के सहयोग से, अपने जन प्रतिनिधि के सहयोग से उसको हम बिठाएंगे। सर एक मिनट, ब्लॉक में तो बिचौलिया हाविया प्लस, और जैसे कि लगभग पिछले 5 वर्षी भी और इससे कई पूर्व पहले भी, क्योंकि सरकार के योजना पदाधिकारी का उसका आपका परसेंटेज बंधा हुआ है, अगर वो उसको नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा या फंड नहीं देगा, तो फिर उस पर आप क्या करिएगा बताइए? कौन फंड नहीं देगा हमको? यदि आप, यदि पदाधिकारी का जिला से लेके चाहे जहाँ भी हो, जो यहाँ से फंड रिफंड जिसका अकाउंट, मुखिया संघ के महाध्यक्ष मैं कपिलेश्वर यादव चुना गया हूँ सर्वसम्मति से, और उपाध्यक्ष श्री अरविंद गुरमेता माधोपुर पंचायत के मुखिया चुने गए हैं। इसके बाद सचिव पर लौखा कारमेघ उत्तरी पंचायत के मुखिया जी श्री संजीव कुमार शाह जी, वो सचिव पद पर चुने गए हैं। इसके बाद बीरपुर के मुखिया जी, बीरपुर पंचायत के मुखिया जी श्री शत्रुघ्न प्रसाद यादव महासचिव चुने गए हैं। श्रीमती नेहा देवी खुटौना पंचायत के मुखिया संयोजक के रूप में चुनी गई है। सह संयोजक श्री प्रदीप कुमार सिकटियाही पंचायत के मुखिया जी चुने गए। कोषाध्यक्ष सोगरा खातून कुसमार पंचायत के मुखिया चुनी गई है। प्रवक्ता श्री नजीब अहमद एकहत्ता पंचायत के मुखिया जी चुने गए हैं। यह हमारा प्रखंड स्तरीय अधिकारी टीम हुआ।